बिग बॉस के सीजन 13 के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गर्गिल का गाना भुला दूंगा कुछ ही समय पहले रिलीज हुआ। फैंस को गाना बहुत पसंद आया। देवलीना भट्टाचार्य ने इस गाने पर अपना रिव्यू दिया। उनका मानना है कि गाने में सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री जीरो थी, लेकिन देवलीना का ये कहना उन्हीं पर भारी पड़ गया। सिद्धार्थ के फैंस ने उन्हें बहुत ट्रोल किया। देवलीना ने ट्रोल्स का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। खैर, अब एक बार फिर देवलीना ने इस मुद्दे पर बात की है। एक बातचीत में देवलीना बोली, मैंने बस इतना कहा था कि मुझे उन दोनों की केमिस्ट्री नहीं दिखी। मैंने ये बात बिग बॉस के घर में भी बोली है और ये मैंने बहुत ईमानदारी से बोला था। एक बार सिद्धार्थ ने बोला था कि वो शहनाज को बच्चों की तरह ट्रीट करता है। सिद्धार्थ मैच्योर है और मैं ये नहीं कह रही कि शहनाज अच्छी लड़की नहीं है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ और रश्मि के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती है, जबकि दोनों में बनती भी नहीं है। मुझे लगता है कि सिद्धार्थ और शहनाज में भाई बहन और दोस्ती वाली केमिस्ट्री दिखती है, कपल वाली केमिस्ट्री नहीं दिखती। मैं किसी के मान सम्मान को चोट नहीं पहुंचा रही हूं। लोग शहनाज को बदनाम कर रहे हैं और शहनाज के फैंस इसके लिए जिम्मेदार हैं। देवलीना ने आगे कहा, मैंने तो सिद्धार्थ की तारीफ करने के लिए कॉल भी किया था, ये लोग तो बस लगे पड़े हैं। यहाँ तक कि जब रश्मि लाइव गई तो उन्होंने ऑब्जेक्शनल चीजें भी की। बकौल देवलीना, मुझे लगता है कि लॉकडाउन के कारण इन लोगों के पास बहुत समय है, लेकिन इस बार उन्होंने गलत इंसान से छेड़खानी कर दी है। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे साथ इंडिया टर्निंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।